कटहल का कोफ्ता और मसाला वसाला सब मिला के। दोस्तों अपना कोफ्ता रेडी हो गया है, देखिए उबाल आ गया है पूरा और अच्छे तरीके से पक भी गया है। तो चलिए अब इसको उतार लेते हैं। कद्दू को नैस। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? स्वागत है दोस्तों हमारे एक नए से ब्लॉग में। तो मॉर्निंग का टाइम हो गया है तो इसको भी सोने देते हैं। और लड्डू पियो, स्कूल गई हुई है तो अभी खाना बनते बनते गैस ख़त्म हो गया है। तो अभी चलते हैं गैस भराने के लिए। और ये देखो टुकू जी के, ओई हेलो कर दो। ऐसे कौन हेलो करता है, अच्छे से करो। लो हेलो गाइस कैसे हैं आप सब? सो गाइस, तो अभी गर्मी के दिन हमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है अभी जस्ट। और अभी नहा सुना कर रेडी हुए थे, सोचे खाना पीने खाएंगे तो, लेकिन खाना बनते बनते गैस देखे ख़त्म हो गया। गाइस अभी 10:30 हो गया है और अभी तक खाना नहीं खाए क्योंकि घर में बनने वाला है कुछ स्पेशल आज सब्जी, यानी कि डिश बनने वाला है। तो क्या बनने वाला है वो चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आज थोड़ा सा फूड ब्लॉग टाइप का कुछ वीडियो होने वाला है तो बहुत दिनों के बाद। तो आराम से यहाँ पर बैठ जाते हैं और ये देखिए तैयारी हो गया है गाइस। तो यहाँ देखिए दोस्तों तैयारी हो गया है और क्या बनने वाला है पूछते हैं आपसे। क्या बनाओगे? कटहल का कोफ्ता। ओह तो गाइस आज बनेगा कटहल का कोफ्ता का सब्जी, अच्छा लगता है खाने। तो कल रात में ही प्लान कर लिए थे कि आज बनाएंगे कटहल का कोफ्ता। तो जैसे देखिए अब कल लेकर आ गए थे कटहल और ये देखिए आपको नज़दीक लेकर चलते हैं कैसे बनते हैं। से ही डिसाइड था कि कुछ अलग बनाना है, कुछ कल अलग खाने का मन कर रहा है तो सोचे चलो कुछ अलग ही कर लेते हैं कम बजट में। सो ये रहा अपना कटहल का बनेगा कोफ्ता, जिसके लिए देखिए क्या क्या हम लोग यूज करेंगे उसमें। उधर देखिए सूखा हुआ पिसा हुआ लहसुन है, खड़ा लहसुन अदरक है, और इधर देखिए प्याज मिर्च और जो भी मतलब मसाला हम यूज करने वाले हैं ये मसाला, और इधर देखिए बेसन रखा हुआ है। सो पहले देखिए कटहल को कैसे किया जाता है, वो पूरा बिल्कुल मैश किया जाता है, बिल्कुल एकदम छोटा छोटा टुकड़ा किया जाता है। पूरा मिला देना है। हाँ पूरा मिला देना है, टुकड़ा भी नहीं गाइस। और इसको पूरा कंप्लीट हो गया है, ये जो जितना महीन हमको करना था उतना हो गया है। अब इसमें हम जो मिलाने वाले हैं मसाला सब, पहले प्याज मिला लेते हैं। देखिए ये देखिए प्याज मिल गया गाइस, और इसके बाद पहले प्याज को फिर मिला लेंगे, उसके बाद फिर इसमें लहसुन और अदरक का वो जो डाला हुआ है वो डालेंगे, उसके बाद फिर इसमें जैसा कि देख रहे हैं हम जा रहा है बेसन। तो बस आज बनेगा बेसन का कोफ्ता, सॉरी बेसन का नहीं कटहल का कोफ्ता। और देखिए पूरा बढ़िया से सारा मसाला मिला दिए हैं इसमें, और सबको अच्छे से एकदम लोई कर लेंगे जिससे कि उसको फिर रिफाइन में या चाहे तेल में छाना होगा। सो टुकू देखिए अभी पहुँच गया खाने के लिए। टुकू क्या बन रहा है? ये देखिए, और ये देखिए ये बनना शुरू भी हो गया गाइस। ये देखिए, तो गाइस ये देखिए बनना शुरू भी हो गया है और ये हल्का हल्का लोई बन के तैयार होगा। और ये देखिए, और पीछे कढ़ाई जल रहा पीछे, भाई गैस बहुत तेज था। तो चलिए दोस्तों अपना कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें अब डालते हैं एक एक करके कोफ्ता को। और ये देखिए वाह। हाँ बेटा, पापा को पापी बोलता है पता नहीं क्यों। ये देखो, और एक एक करके दोस्तों सबको फ्राई कर लेंगे, अच्छे से लाल कर लेंगे, उसके बाद इसमें ग्रेवी लगेगा। ये देखिए नज़दीक से हुआ। तो गाइस देखिए वाइड एंगल ना होने के वजह से कैमरा में किचन में कैसे कंजेस्टेड होके बैठ के हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए वीडियो के साथ साथ अब चलते हैं लाडू पियो को भी लाने के लिए, और ये बहुत बदमाशी करते हैं। लाडू पियो को भी लाने जाना है क्योंकि टाइम हो गया है स्कूल का, तो फिलहाल इसको बनने देते हैं और फ्राई होता है जब तक हम स्कूल से लेके आ जाएंगे लाडू पियो को, उसको फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्कूल लाडू पियो को लाने। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए अभी फ्राई होना शुरू हो गया है और लाल भी हो गया है। ये देखिए अपना घर पे ही बनाइए और खाइए भाई, घर में भी एक से एक खाना बना के आप लोग खा सकते हैं, होटल और रेस्टोरेंट का क्या। हाँ अगर जो आपके पास कला है जानकारी है तो आप तो घर पे भी 5-स्टार होटल का जैसा खाना और टेस्ट ला सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों अभी निकल रहा है, लाल लाल हो गया, अब इसको निकाल लेते हैं बाहर
और सबको एक एक करके फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद फिर लगाया जाएगा ग्रेवी। तो गाइज आ चुके हैं लाडो पियो को लेकर घर और बहुत धूप हो रखा है बाहर, सो एकदम हालत ख़राब हो गया है। और तब तक के लिए वीडियो बनाने के लिए हम खाना बंद कर देते, तो चलिए दिखाते हैं। अब लगेगा गाइस ग्रेवी, तो चलिए दिखाते हैं कैसे ग्रेवी लगाते हैं। देखिए तड़का लगाने के लिए सबसे पहले जीरा और तेज़पत्ता, दो सूखा मिर्च डाले हैं जिससे कि कोफ्ता में और भी स्वाद आए। और ऊपर सब डाला जाएगा प्याज, चलिए प्याज डाला गया गाइस। अब इसको बढ़िया से मिला लेंगे हम लोग। तो गाइस अभी देखिए अपना प्याज लाल हो गया गाइस, और अब इसमें डाला जा रहा है देखिए मसाला, जिसमें कि हल्दी और मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट जो भी है सब मिला के अब इसको करेंगे लाल। उसके बाद फिर इसको ग्रेवी बनाएंगे और नमक भी इसमें डाल देंगे हल्का सा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम डाल देते हैं गरम मसाला कि जिससे कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए और मेरा कोफ्ता और भी अच्छा बने, टेस्टी लगे खाने में। तो चलिए तो दोस्तों अपना मसाला लाल हो गया है, ये देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल एकदम लाल सारा मसाला, जितना भी था प्याज वाज सारा गल के लाल हो गया है। अब इसको लगाएंगे गाइस ग्रेवी। तो चलिए अब लगाते हैं इसमें ग्रेवी और ये पानी दे दिए इसमें। तो चलिए सारा कोफ्ता जितना बना हुआ है सबको डाल देते हैं गाइस, तब ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए। उसके बाद फिर भूख भी लग गया है, बहुत टाइम भी हो गया है, तो रोटी के साथ इसको खाएंगे दोस्तों। रोटी बन गया है, बस ये मुझे 5 से 10 मिनट और टाइम लगेगा, वो बन के तैयार हो जाएगा, उबाल आएगा बस। हाँ कोफ्ता रेडी हो गया है, देखिए उबाल आ गया है पूरा और अच्छे तरीके से पक भी गया है। तो चलिए अब इसको उतार लेते हैं। चलिए आइए दोस्तों, अपना कोफ्ता बन के तैयार हो गया है और कद्दू कटहल का कोफ्ता।